हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 11 फरवरी का एनालिसिस। सो सबसे पहला आर्टिकल है जीएस पेपर वन से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स चेंजिंग टू एससी एसटी अट्रोसिटीज लॉ। ठीक है, जो ये लॉ बनाया है उसके बारे में देख लेते हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया है। तो बेसिकली मोटी मोटी बात इसमें मैं ये बता दूं कि क्या हुआ था कि सेक्शन 18A मतलब इंसर्ट किया था। ये जो एक पूरा लॉ बना है जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत मतलब जो भी अगर कोई उन पर एट्रोसिटीज कर रहा है जो ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है तो उसको मतलब जो भी सज़ा मिलती है मतलब वो हम देखेंगे आगे इस एक्ट में एग्जैक्टली है क्या। पर इसमें सरकार ने ये ऑप्शन दिया था कि ये नॉन बेलेबल होगा, मतलब इस पर बेल गारंटी बेल ग्रांट नहीं होगी। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है कि भाई सरकार ने ये वाला अमेंडमेंट सही किया है, बेल नहीं दी जानी चाहिए ऐसे सीन में। ठीक है, तो व्यूज ऑफ द कोर्ट है क्या और कोर्ट ने क्या बोला गया है। हाई कोर्ट उन्होंने ये कहा कि चलो बेल नहीं दी जानी चाहिए पर हाई कोर्ट बेल दे सकता है, ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि अगर मेरे को एंटीसिपेशन है मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मान लो मैं इस तरीके के सर्कमस्टांसिस में हूँ कि मेरा अरेस्ट हो सकता है तो मैं पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट होने से पहले की बेल को एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो एंटी एट्रोसिटीज लॉ है इसके तहत उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया तो उसको एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं। एंड हाई कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस में दे सकते हैं, मतलब ये जो लॉ है इसके तहत मतलब एक्सेप्शनल केसेस में ही इसको दी जानी चाहिए अगर आप एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हो तो। देखा जाए तो जैसे लिख रखा है ओनली स्पैरिंगली इन एंड वेरी एक्सेप्शनल केसेस में दी जानी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि तुम हाँ जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने हो रखा है ना कि जैसे मतलब ये जो बीजेपी वाले थे ये मतलब जो भी उस तरीके की मतलब जो हर इलेक्शन नॉर्म को वॉयलेट कर रहे थे एंड उनको क्लीन चिट दिए जा रहे थे, ऐसे नहीं होना चाहिए उस तरीके की चीज़ें। मतलब एक बहुत ही ग्रॉस मतलब वो हो ना कि एंड स्टेज है आपकी तब आपको देनी चाहिए, मतलब ताकि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो एंड अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो। तो ये कोर्ट ने अभी जजमेंट दी है। ठीक है, तो व्हाट्स देयर इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, ठीक है, इसमें ये बोला गया था जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये तो पुराना एक्ट है पर इसमें बोला क्या गया था, अमेंडमेंट किया गया 2018 में जिसमें ये बोला गया है कि FIR कराने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उससे पहले की जो छोटी मोटी इंक्वायरी होती है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके तहत आप रजिस्टर करा रहे हो, नॉर्मल केसेस में इंक्वायरी करी जाती है तब FIR दर्ज होती है, पर इसमें ज़रूरत नहीं है। एंड अप्रूवल ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स इज ऑल्सो नॉट नीडेड एंड देर इज नो प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल फॉर टू द एक्यूज्ड बीइंग चार्ज विद SC ST एक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोविजन नहीं है एंटीसिपेटरी बेल का इस सर्कमस्टांसिस में अगर आप इस केस के तहत पकड़े जाते हो तो। अब इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन क्यों ज़रूरी है भाई SC ST से रिलेटेड, क्यों नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अ लिबरल यूज ऑफ पावर टू ग्रांट प्री अरेस्ट बेल वुड डिफीट द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट वालों ने 2018 में अमेंडमेंट लेके आए, कुछ तो सोच के लेके आए होंगे ना, तो मतलब उसका प्री अरेस्ट बेल अगर आप नॉर्मली हाईकोर्ट दिए जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज़ का अगर इतना ही लिबरल यूज करोगे। बहुत ही स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग मतलब हमें मैसेज देना चाहिए कि भाई हम SC ST के तहत जो एट्रोसिटीज हैं, जो आप गलत काम कर रहे हैं या फिर उनको मतलब वही मार पिटाई या जो भी तरीके की चीजें एट्रोसिटीज हो रही हैं हम उनको नहीं बर्दाश्त करेंगे। एंड दिस इज अ मींस टू प्रोटेक्ट द ऑप्रेस्ड क्लासेस एंड ऑल ह्यूमंस, ये बता हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ऑल ह्यूमंस आर ट्रीटेड एज ह्यूमंस एंड मतलब जो भी हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड फियरलेसली वो अपने ड्रीम्स परस्यू कर सके, हम सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो वे अहेड क्या होएगा, हम वही बात है कि हम गांधी जी की ऐसी मतलब गांधी जी के टैलिस्मैन में भी लिखा हुआ है, हम ऐसी सोसाइटी को ड्रीम करेंगे, एक कास्टलेस सोसाइटी हो एंड जो हमने ड्रीम किया है वो सिर्फ ड्रीम ना रह के वो हम उसको मतलब असल में हम उसको रियलाइज कर सके। तो बैकग्राउंड क्या होगा, मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूटेड द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, सबसे पहले अमेंडमेंट करा गया, ठीक है, इसके 1989 का ये एक्ट है टोटल ओरिजिनली, तो इसमें पहले सरकार ने अमेंड किया गया जिसके तहत बताया गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत नहीं है एंड एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई ठीक है हम मानते हैं SC ST का मतलब ये आपने अच्छी बात है स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अप्लाई कर रहे हो, पर जो एक अलग बंदे की मतलब पर्सनल लिबर्टी है वो भी तो एट स्टेक है ना, खुद सोचो कोई भी मतलब झूठ-मूठ का केस भी तो बना ही सकता है ना इसमें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दे जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे कि भाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। एंड उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू की थी कि इनोसेंट के नॉट बी टेररराइज्ड बाय द प्रोविजन ऑफ SC ST एक्ट एंड देयर फंडामेंटल राइट, उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। एंड तब ये बोला था कि पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट कर रहे हो इस एक्ट के तहत तो उसकी रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, ठीक है। एंड
इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मतलब परमिशन देनी पड़ेगी. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो ऑप्शन था वो भी कंडक्ट होनी चाहिए बिफोर FIR वॉज टू बी रजिस्टर्ड. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाएंगी. ठीक है, तो अभी आज ये इसमें प्रोग्रेस हुई है. तो ये डिसीजन क्यों लिया गया है आज के टाइम में, कोर्ट ने रेफर किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा को, 2015 के डेटा को. ठीक है, तो उसमें ये देखा गया कि 75% ऑफ सर्च केसेस टेकन अप बाय कोर्ट हैव रिजल्टेड इन एक्विटल्स या विदड्रॉल ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ द केसेस. कि भाई ऐसे ही मतलब उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती थी इजीली, मतलब हो रहे थे, मतलब लोग निकल रहे थे, मतलब बच रहे थे इस एक्ट से भी. तो इसीलिए NCRB के डाटा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा एंड अब से ये वाले जो पुराने नॉर्म्स हैं जो अमेंडमेंट सरकार ने की वही लागू होंगी एंड ये जो पहले जो ऑर्डर आया था उसको क्वैश कर दिया गया है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला आर्टिकल. तो 18A ध्यान रखना है. ठीक है, 18A जो मतलब सरकार ने अमेंडमेंट किया था जिसमें 18A ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट, 18A में बोला गया है कि ये वाली सारी चीज़ें जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है एंड दूसरा एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी. ठीक है, देन देख लेते हैं GS2 का पेपर टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड. तो आंध्र प्रदेश ने फिर से बोला है भाई मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो. ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड स्पेशल स्टेटस जो ओरिजिनली जम्मू कश्मीर के पास था इन दोनों में क्या फ़र्क है हम सब आराम से देखेंगे. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविजन नहीं है. ठीक है, ये ध्यान हमेशा याद रखनी है. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड, इसके तहत क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट जो एक डिसएडवांटेज में है दूसरे मतलब दूसरों से रिलेटेड या फिर जैसे कि मान लो उनका बॉर्डर लगता हो किसी मतलब एनिमी स्टेट के साथ या इस तरीके का. एंड कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब इमर्ज हुआ था, इन 1969 जब गादगिल फॉर्मूला अप्लाई किया गया था. ठीक है, फाइनेंस कमीशन के तहत जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन बैठी थी 1969 में तब ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ था. तो उस टाइम पे क्या बोला गया था, गाइडलाइंस इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मतलब क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहले कि आप इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड होनी चाहिए एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके स्टेट में एंड वो स्टेट ऐसी हिली या फिर चैलेंज टेरेन में होना चाहिए. ठीक है, उबड़ खाबड़ जगह या हिली एरिया है. देन इट शुड हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन भी होनी चाहिए एंड उसको बॉर्डर मतलब अलॉन्ग द बॉर्डर्स होना चाहिए ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, किसी दूसरे देश का आपके पास साथ बॉर्डर टच होना चाहिए. तो आंध्र प्रदेश ने क्या बोला है कि भाई मेरी डिमांड पूरी करो. अब वो बोलेंगे क्यों करें, तो उन्होंने बोला है कि हम हैदराबाद हम मतलब उससे अलग हुए थे, मतलब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन हुआ था 2014 में. ठीक है, तब उनका क्या था, तो हैदराबाद जो कैपिटल थी वो चली गई तेलंगाना के पास जो आंध्र प्रदेश की ओरिजिनल कैपिटल थी. तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अभी आपने मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि थ्री कैपिटल्स का जो नॉर्म लेके आया आंध्र प्रदेश, ठीक है, विशाखापट्टनम अमरावती एंड कुरनूल का, तो उनको नई उसकी बनाने की जरूरत है जिसकी वजह से अब फंड तो होंगे नहीं उनके पास, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दी जानी चाहिए ताकि फिर उसके तहत उनको जो पैसा मिलेगा उससे वो अपनी स्टेट बना सके. तो बेनिफिट क्या मिलते हैं स्टेट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब मैंने आपको बताया था एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, पूरा पूरा फायदा पूरा पूरा जो भी खर्चा होता है वो सारा ये उठाती है, नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है. पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, कुछ मतलब 70-30 के रेशो में या 90-10 के रेशो में मतलब सरकार देती है, 90 सरकार देगी 10 स्टेट को लगाने पड़ेंगे, तो ऐसे होता है. तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 90% ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड 10% उसको अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको एज अ लोन भी दिया जा सकता है एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, 0% मतलब कि भाई जब भी तुम दोगे मुझे सेम मतलब रकम दे देना, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है. कंसेशन ऑन एक्साइज ड्यूटी टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी मतलब की कमी मतलब उतना आपको सरकार को पे नहीं करना पड़ता एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना इजीली हो सकती है. एंड 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट इज ऑल्सो गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड दी स्टेट्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डेप्ट स्वैपिंग या डेप्ट रिलीफ स्कीम्स. ठीक है, अगर उनका मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल ईयर में मतलब डेप्ट हो गया है तो उससे वो छुटकारा भी पा सकती हैं. And they are exempted from custom duties, corporate tax, income tax and other taxes attract investment. And special category status का सबसे बड़ा फायदा, ये सब भूल जाओ पर ये मत भूलना कि जो भी unspent money होती है एक financial year में normally क्या होता है वो lapse कर जाती है money, पर इनके case में क्या होता है वो lapse नहीं होती है एंड अगले financial year में वो जुड़ जाती है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि उनके पास पैसे बढ़ के आ जाते हैं अगले year के लिए spend करने के लिए. तो और अदर बेनिफिट्स क्या हैं कि भाई जीरो इंटरेस्ट लेन पे लोन मिलता है, कम बेनिफिट थोड़ी है, तो जो 90% सरकार लगाएगी एंड 10% इनको जीरो इंटरेस्ट लेन पे लोन मिलता है. तो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको दिया गया था,
1969 में मैंने आपको बताया गादगिल फार्मूला के अनुसार जब मतलब डिवाइड किया था कि भाई कैसे फाइनेंसेस स्टेट को जाएंगे, तो 1969 में सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को इनिशियली. फिर ओवर द ईयर्स 8 मोर स्टेट्स को ऐड कर दिया, कौन से, अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा. एंड फाइनली लेटेस्ट 2010 में उत्तराखंड को ऐड किया गया था इसके अंदर. ठीक है, तो टोटल याद करना 11 स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इंजॉय करते हैं. तो कंसर्न एसोसिएटेड क्या है, ऑब्वियसली अगर आप एक स्टेट को दोगे दूसरी स्टेट भी कहेगी मुझे भी दो, तो इट विल रिजल्ट इन डिमांड्स फ्रॉम अदर स्टेट एंड डाइल्यूट द बेनिफिट ऑफ अदर्स, की फिर क्या फ़ायदा रहेगा. एंड एक मेजरली आप इसमें ऐसा क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों अब खत्म हो जाना चाहिए. आप खुद सोचो कि जब अभी हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन बैठी, मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले 42% ऑफ द सेंटर की जो डिविजिबल पूल होता था, जो मतलब सेंटर शेयर करता था स्टेट्स के साथ, उसमें 42% दिया जाता था अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट. पर 15th फाइनेंस कमीशन ने 42 को घटा के 41% कर दिया, ताकि जो 1% है वो जो नई जो यूनियन टेरिटरीज बनी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की, उनको दे दिया जाए. ठीक है, तो पहले क्या होता था, इनिशियली सिर्फ 32% शेयर किया जाता था स्टेट्स को. ठीक है, 32 से बढ़ा के भाई 42 कर दिया आपकी फाइनेंस कमीशन में, मतलब अक्रॉस, मतलब दिस इज क्लोज टू 50%. तो और क्या लोगे आप सेंटर से. ठीक है, तो इसीलिए इसको डाइल्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत ही कम मतलब डिवोल्यूशन होती थी. पहले 18 होती थी, फिर 20 होती थी, फिर 20 से सीधा 32% कर दी, 32 से 42 कर दी, तो ऑलरेडी ही सेंटर इतना शेयर कर रहा है, तो इस अभी प्रोविजन को डाइल्यूट ही कर देना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को. तो अब देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड स्पेशल स्टेटस. तो स्पेशल स्टेटस तो हमें पता है कि जम्मू कश्मीर वाला आपको ध्यान रखना है. तो जो स्पेशल स्टेटस होता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. अब मैंने आपको हमने पढ़ चुके हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं लिखा हुआ, तो जो स्पेशल स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया एंड किसी ना किसी एक्ट द्वारा ये लागू होता है जब तक 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज इन पार्लियामेंट उसको पास नहीं कर देते. एंड जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है जो आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंजॉय करता है, प्लस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी इंजॉय करता है, जो 1969 में हम देख चुके हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर को ही मिला था. फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, उन्होंने इसको मतलब जारी किया था. जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसका, प्लानिंग कमीशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी. ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत इनको दिया जाता था कि भाई मतलब ये स्टेट अंडर डेवलप्ड है, तो उनको दिया जाता था कि क्योंकि उनको ज्योग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस थे, एंड सबसे पहले जम्मू कश्मीर को दिया गया था. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या फ़र्क है. एंड ऊपर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं मेंशन नहीं किया होगा, सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको लागू करवाती थी. एंड अब तो वैसे भी नीति आयोग आ गया प्लानिंग कमीशन की जगह, तो इसको धीरे धीरे अबॉलिश कर ही देना चाहिए, आप इसके बारे में लिख सकते हैं. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आंध्र प्रदेश की डिमांड क्यों है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है. देन इज अबाउट नेशनल डी वार्मिंग डे. डी वार्मिंग में वार्म से आप क्या समझ रहे हो, कीड़ा, वार्म इज कीड़ा. ठीक है, तो NDD इज ऑब्जर्व बाई एनअली, मीन साल में दो बार सेलिब्रेट करते हैं, एक 10 फरवरी को और एक 10 अगस्त को. तो डी वार्मिंग डे है क्या, कि भाई आपको ट्रीट करने चाहिए इंटस्टिनल्स, मतलब आपके आंतों में जो कीड़े होते हैं. हम बचपन में नहीं कहते थे मम्मी पेट दर्द हो रहा है, पेट में कीड़े हो गए. ठीक है, तो कीड़े हो गए तो ये छोटे बच्चों को अफेक्ट करते हैं पेट में कीड़े फ्रॉम 1 to 19 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, एंड हमें इसमें क्या हो, क्योंकि ये डे किस लिए मनाया जाता है, कोई भी दिवस हो गया कि भाई आपको सरकार का अट्रैक्ट कर रहे हो अटेंशन, या फिर इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो वहाँ पे होनी चाहिए. तो ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं कि भाई जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट्स हैं उनमें कंट्रोल आना चाहिए. हेलिमेंट्स क्या, कीड़े, उन कीड़ों को ही बोलते हैं हेलिमेंट्स. ठीक है, तो उनको बोल रहे हैं कि जो सॉइल से ट्रांसमिट हो रहे हैं एलिमेंट्स उनको कंट्रोल में रखना चाहिए. एंड इसके तहत क्या है, सभी जो ये दिन मनाया जाता है इसमें क्या करते हैं, सभी बच्चों को डी वार्मिंग टैबलेट्स, एक तो वार्मिंग का मतलब तो कीड़ा हो गया, तो डी वार्मिंग मीन्स कीड़ों को हटाने वाली टैबलेट्स दी जाती हैं इन द स्कूल एंड आंगनवाड़ीज. एंड फिर उनको सिखाया जाता है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन की कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, क्योंकि इसके तहत अगर आप ऑब्वियसली टॉयलेट जाने के बाद अगर पानी से हाथ धो लोगे, अपने साबुन से अच्छे से सफाई, हाइजीन या सैनिटेशन मेंटेन करोगे, तो ऑब्वियसली आपको कीड़ा का असर नहीं पड़ेगा. देन इसे क्या, कौन सी मेडिसिन देते हैं, एल्बेंडाजोल, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है. बैकग्राउंड क्या होगा, हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हम हाईएस्ट बर्डन ऑफ द वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस कैरी कर रहे हैं वॉर्म्स की से पीड़ित बच्चों को. एंड 64% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लेस देन 14 ईयर ऑफ द एज आर एट रिस्क ऑफ सॉयल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट्स. ठीक है, हम एट रिस्क है हमारी 64%, ठीक है, पॉपुलेशन, तो इट इज़ अ ह्यूज नंबर. एंड अच्छा है ये दिन बना रहे हैं. एंड इससे क्या होता है, जो सॉयल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट्स हैं ये इंटरफेयर करते हैं विद द न्यूट्रिशन अपटेक इन द चिल्ड्रंस. ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने चाहिए, जैसे आयरन एब्जॉर्ब होना चाहिए, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना चाहिए बॉडी में, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते. आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होएगा, खून में आयरन की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिससे उनकी मेंटल मतलब सोचने समझने की शक्ति, मेंटल और फिजिकल दोनों ही डेवलपमेंट अफेक्ट होंगी.
तो इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म्स है क्या, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो वैसे तो दिखते नहीं, मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब हम आँख से दिख सकते हैं, जो मतलब अभी कोई आपके पड़ोस में बच्चा होगा उसके पेट में कीड़े हैं, तो नॉर्मली जब वो फीसेस पास करेगा तो अगर वो मैच्योर है तो उसके फीसेस में भी आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े कीड़े वो होते हैं। एंड ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों, क्योंकि हम देख चुके हैं अप्रॉक्स 64% पॉपुलेशन हमारी एट रिस्क है, एंड दे इंटरफेयर विद द न्यूट्रिएंट अपटेक, एंड जिससे वो अनीमिया, मालनरिशमेंट एंड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले सेफ है, कोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एक ही दवाई दे रहे हैं एल्बेंडाजोल, जिससे वो मर जाते हैं, एंड हम बहुत ज़्यादा बच्चों को रीच कर पा रहे हैं। एंड डीवॉर्मिंग से क्या हो रहा है कि जो बच्चों को एब्सेंटिज्म है, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, वो कम हो रहा है, इंप्रूव हो रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एंड लर्निंग आउटकम्स, एंड सेफ एंड क्योंकि वो जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है वो सेफ और बेनिफिशियल है, एंड दैट इज रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सबको दी जा रही है डीवॉर्मिंग के लिए, ठीक है। देन इज अबाउट GS3 का टॉपिक है CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशो के बारे में है। तो कंटेक्स्ट क्या है, RBI ने बोला है कि भाई आपको जो बैंक्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है CRR मेंटेन करने की, अगर आप लोन दे रहे हो टू MSMEs फॉर 5 years, आज से 5 साल तक आपको MSME को अगर आप लोन दे रहे हो उसके तहत आपको CRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ इसका। तो CRR क्या होता है, 4% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक को कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होता अगर वो CRR मेंटेन कर रहा है। अब नाम से ही समझ में आ रखा है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, कैश को रिजर्व कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कैश को रिजर्व कर रहे हैं, एंड वो अगर वो नॉर्मली कैश अगर बैंक में पड़ा है, ठीक है, तो हमारा अगर कैश पड़ा होता है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, पर ये बैंक खुद मेंटेन कर रहा है RBI के कहने पर इसको RBI से इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस वो उसकी ऑब्लिगेशन है जो उसको पूरी करनी होती है। ये क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट हैव टू होल्ड एज रिजर्व्स, ठीक है, विद सेंट्रल बैंक की, या तो आप RBI को पकड़ा दो, ये लो भाई RBI, मान लो आपके पास आपको 1000 रुपये डिपॉजिट हो गए जिसमें से आपको 960 रुपये तो बैंक के पास है, 40 रुपये या तो आप RBI को दे दो, बट या फिर अपने बैंक में ही रखो पर RBI के नाम पे रखो, तो 4% है तो मतलब उसको, मतलब 40 रुपीज हो गया अगर 1000 रुपये का देखा जाए तो उसको रखना पड़ता है RBI के कहने पे, ठीक है, इट इज़ इधर स्टोर्ड इन द बैंक वॉलेट या फिर RBI को भेज दिया जाता है, एंड बैंक को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो CRR का बेसिक फंडा यही है, उनको कुछ कैश रिजर्व में रखना रहता है। तो इसको, इससे क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि इन केस अगर बैंक के NPAs है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए, बैंक लिक्विडिटी की कगार पे, दिवाला निकल गया है बैंक का, तो ये काम आता है क्योंकि ऑब्वियसली ये रिजर्व में रखा हुआ कैश है, आप इसको यूज़ कर सकते हो फिर से लोन देने में। तो इसको मतलब ये जो कैश रिजर्व रेशो है, इससे जो RBI है वो कैसे कंट्रोल करता है बैंक्स को, हम ये देख लेते हैं। अगर सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज़ करा रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि भाई तुमने रिजर्व्स अपने बढ़ा के रखने अपने पास बैंक में, तो ऑब्वियसली उनके पास जो लोन देने के लिए हैं वो पैसे कम पड़ जाएंगे, ठीक है, अगर लोन देने के लिए तो वो लोन दूसरे को कम देंगे। इससे क्या होता है कि RBI वाइप आउट कर लेता है एक्सेसिव मनी फ्रॉम द सिस्टम, इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन में क्या होता है, पैसे की बिल्कुल ही वैल्यू कम हो जाती है, मतलब बहुत सारे पैसे पर हम सामान बहुत ही कम खरीद पा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है इन्फ्लेशन में वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको मतलब कंटेन करने की, एक्स्ट्रा पैसे को वाइप आउट करने की, तो उस टाइम क्या करती है RBI, CRR बढ़ा देती है, ठीक है, CRR बढ़ा दिया तो क्या होएगा, बैंक को पैसे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है, बैंक को पैसे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो उसको लोन देने के लिए पैसे होंगे कम, लोन देने के लिए पैसे होंगे कम, तो क्या होएगा, वो लोन कम देगी, ठीक है, तो और लोगों की स्पेंडिंग कम होगी, ठीक है, लोगों की स्पेंडिंग कम होगी, एंड फिर बेसिकली जो पैसे हैं वो मतलब एक जो सिस्टम है उसे वाइप आउट हो जाएंगे। तो क्या पर्पस है इसकी कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने के लिए, सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द अमाउंट को ऑब्वियसली इंश्योर करता है कि भाई रेडिली अवेलेबल हो, जब भी चाहिए हो आपको मिल जाएंगे, एंड इट कीप्स इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, जैसे मैं बता चुकी हूँ हाई इन्फ्लेशन होती है तो RBI इंक्रीज कर देता है रिजर्व रेशो को, ताकि बैंक को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मनी अपने पास रखें, एंड उनको लोन देने के लिए कम से कम पैसे हों, तो लोग कम स्पेंडिंग करेंगे, इन्फ्लेशन को कर्व कर दिया जाएगा। तो मैं बता चुकी हूँ कि हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सेस मनी इज़ नॉट अवेलेबल, गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर, ठीक है, गवर्नमेंट को ये चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी ना हो लोगों के पास, तो वो पैसे एकदम से मतलब जो सर्कुलेटिंग मार्केट है उसे मतलब कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिट क्या आएगा कि वो बैंक को ही बोल देगी तुमने लोन कम देने, लोन कम कैसे देगी, रिजर्व रेशो को बढ़ा के, ठीक है, और जब उसको पंप करने की ज़रूरत है, जब मंदी आ रखी होती है, जब उसको पैसे डालने की ज़रूरत है उसमें इकोनॉमी में, तो क्या करेगी, CRR रेट को कम कर देगी, पहले मतलब 4% था तो अब 2% कर देगी, तो उसको सिर्फ 20 रुपये रखने पड़ेंगे, तो 20 रुपये का वो ज़्यादा लोन दे देगी, ठीक है, 20 रुपये का लोन ज़्यादा दे रही है तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोन आएगा तो पैसे आएंगे, एंड लोन आएगा पैसे आएंगे तो फिर वो चीज़ें खरीदेंगे, एंड फिर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, एंड अभी हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन से ही गुजर रही है, इसीलिए CRR को कम कर दिया जा रहा है MSMEs के लिए, ताकि वो भी अपने आप को डेवलप करें एंड वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट अच्छे से बन सके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कैश रिजर्व रेशियो।
देन इज अबाउट प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन, ठीक है, जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने डिक्लेयर किया है कावेरी डेल्टा एज प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, ठीक है, जिसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड उसने क्या बोला है कि जो हमें कावेरी डेल्टा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉर फ्यूचर. अभी तमिलनाडु वालों को रियलाइज़ हो गया कि भाई खाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तमिलनाडु की फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, कि भाई इंडस्ट्रीज तो देखी जाएंगी, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ये डेल्टा क्योंकि 33 लाख टन्स ऑफ ग्रेन्स इन 28 लाख एकर्स को मतलब प्रोवाइड करता है. एंड जो यहाँ पे ऑब्वियसली अब डेल्टा है तो यहाँ पे मीथेन हाइड्रोकार्बन ऑयल के सप्लाईज भी ज़्यादा ही होंगे, बट वो यही बोलते हैं कि मतलब क्लैश हो जाएगा. वही तो बोल रहे हैं कि हमें पहले खाने की इंश्योर सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है. तो एंड अगर यहाँ पे मीथेन हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा सेटअप हो जाएंगी इंडस्ट्रीज तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने बोला है हम इसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन का दर्जा देंगे. तो स्टेट को अपने खुद के चैलेंज होंगे, क्या होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो वहाँ की पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है वो एक कावेरी डेल्टा, वहाँ पे जो आपने ऑलरेडी जिनको दे रखा है 2017 में मतलब गांव खाली करा दिया, ये जो लैंड ले लिया है तो जिन लोगों के लिए लिया है, फिर वो बोलेंगे कि भाई हमें तो देना, आपने हमें प्रॉमिस किया था देने को. एंड फिर सेंटर का जो प्रेशर है उसको झेलेंगे कैसे, एंड लिटिगेशंस ऑब्वियसली कंपनीज केस करेंगी उन पे, एंड स्टेट की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे फर्क पड़ेगा इसका, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज वगैरह कम डेवलप होंगी, ठीक है. तो स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन के बारे में आपको ध्यान रखना है. देन इज अबाउट सोलर ऑर्बिटर मिशन. सबसे पहले ध्यान रखना है किसका मिशन है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा का मिशन है, ठीक है. एंड कब लॉन्च फ्रॉम केप कैनेवल ऑन यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5th रॉकेट में से उसको लॉन्च कर दिया गया था. इट इज़ मिशन डेडिकेटेड टू सोलर एंड हेलोस्फेरिक फिजिक्स. मैं आपको बताऊंगी हेलोस्फेयर कौन सा रीजन होता है, एंड सोलर बेसिकली सोलर उसको मतलब सूर्य को स्टडी करेगा. इट वॉज सिलेक्टेड एज फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन, ठीक है. मीडियम क्लास मिशन है किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. एंड फर्स्ट मिशन दैट विल प्रोवाइड इमेजेस ऑफ सन नॉर्थ एंड साउथ पोल. अभी तक जो मिशन आया है वो इक्वेटर तक गया है, पर ये सन की नॉर्थ एंड साउथ पोल को स्टडी करेगा. 7 साल का मिशन है, ठीक है. एंड ये कम एज क्लोज एज 26 मिलियन माइल्स ऑफ सन क्लोज आके उसको स्टडी करेगा. अब ऑब्वियसली सन इतना गर्म होता है तो ये जल वल ना जाए, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या है, अ कस्टम टाइटेनियम शील्ड कोटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे उसको बांध रखा है, तो वो 970 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को भी बेयर कर सकती है, क्योंकि टाइटेनियम बहुत ज़्यादा उसको हीट को बेयर कर लेता है. तो सन ऑर्बिटर देख लेते हैं, सन ऑर्बिटर क्या काम करेगा, एग्जामिन हाउ द सन क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स द हेलियोस्फीयर एंड सोलर विंड कैसे जनरेट होती हैं इन द इंटरस्टेलर मीडियम, ठीक है. तो हीलियोस्फीयर ये देख लो आप, ये हीलियोस्फीयर पूरा रीजन होता है फ्रॉम सन टू द मतलब जो भी हमारे तक ये जो हमारा सोलर सिस्टम ये जो गैलेक्सी है हमारी, ठीक है, तो यहाँ तक इसको पूरे को हीलियोस्फीयर कहते हैं. फिर यहाँ आता है हमारा हीलियोपोज, इसके बाद स्टार्ट होता है ये जो काला पार्ट है, दिस इज इंटरस्टेलर स्पेस, तो ये इसकी स्टडी करेगा, ठीक है. एग्जामिन हाउ सन क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स द हीलियोस्फीयर एंड सोलर विंड कैसे कहाँ जा रही है, यहाँ सोलर विंड जा रही है इनटू द इंटरस्टेलर मीडियम, उसको देखेगा. एंड इसमें रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन होंगे टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलर विंड, ठीक है, एंड सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स को भी देखेगा. तो जो ये सारे क्वेश्चन हैं इनका आंसर करेगा कि सोलर विंड को कौन जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये अभी आंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कोई मतलब डिस्कवरी कर लेंगे हम फिर पढ़ लेंगे इसको. तो सिग्निफिकेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग सन मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर विंड आर की बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू स्पेस वेदर. स्पेस में कैसी वेदर हो रही है उसके लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. एंड सन मैग्नेटिक फील्ड इतनी मैसिव है दैट इट स्ट्रेचेस बियॉन्ड प्लूटो, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर सोलर विंड टू ट्रैवल डायरेक्टली अक्रॉस सोलर सिस्टम. यहाँ की मतलब जो सन की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है, यहाँ से यहाँ पे प्लूटो के अक्रॉस भी गई होती है, हमारी गैलेक्सी के अक्रॉस भी गई होती है. तो जर्नी अहेड क्या है, सोलर ऑर्बिटर अबाउट 2 ईयर्स टू रीच इज हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है. ये सन है क्योंकि ऑब्वियसली इसके अराउंड ऑर्बिट करेगा ये यहाँ पे, तो इसको 2 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि अर्थ ही ग्रेविटेशनल फील्ड को पहले एस्केप करना होता है किसी को भी, यहाँ पे ऐसे घूम घूम के इसको एस्केप करेगा, फिर ये सन के पास कहीं जाएगा. एंड ये मिशन इट विल वर्क अलॉन्ग विद नासा पार्कर सोलर प्रॉप, जो अभी करंटली ऑर्बिट कर रहा है सन को, ऑन अ 7 ईयर मिशन, ठीक है. पर ये है कि ये इक्वेटर को देख रहा है नासा पार्कर सोलर प्रोब, एंड ये उसको मतलब कंपनी करेगा ताकि नॉर्थ और साउथ पोल को स्टडी कर सके. सोलर ऑर्बिटल फॉलोज यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट जो दैट लॉन्च्ड इन, मतलब इसी को फॉलो कर रहा है, पर इसका मिशन अभी एंड हो चुका है तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो अभी आपको सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में ध्यान रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का मिशन है. देन इज अबाउट ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट.
ठीक है, तो इंडिया विल बी मूविंग टू इंक्लूड एशियन एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट, ठीक है, ताकि उनकी कंजर्वेशन मेजर्स को हाइटन किया जा सके. एंड लिस्ट विल बी डिबेटेड एट 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसको रखा जाएगा, ठीक, क्योंकि ये गांधीनगर गुजरात में हो रही है एंड हम अभी इसके प्रेसिडेंट हैं इंडिया को अगले 3 साल के लिए. तो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी ऑर्गेनाइज होएगी जब जिसके हम वो हैं एंड प्रेसिडेंट हैं. एंड किस पे है ये? कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS, ये एक एनवायरमेंट ट्रीटी है अंडर UNEP, तो ध्यान रखना है. अब इसमें जो इसके अपेंडिक्स है, इसमें इसके फर्स्ट अपेंडिक्स में 173 स्पीशीज आते हैं, ठीक है. एंड अबाउट CMS देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, तो नाम से समझ में आ रहा है माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की मतलब उसके अंदर तहत आती है ये. इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है. इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है, उनकी अगर आप हैबिटेट्स का यूज़ भी कर रहे हो तो सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन कैसी होती है? माइग्रेटरी स्पीशीज जो थ्रेटन्ड है विद एक्सटिंक्शन आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स वन, एंड पार्टीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना चाहिए इन एनिमल्स को जो अपेंडिक्स वन में होते हैं, जो 173 है मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि भाई अगर इनको मिल जाए तो इनको बेनिफिट हो जाएगा, वरना तो ये अपेंडिक्स वन में पहुँच ही जाएंगे किसी दिन, तो वो अपेंडिक्स टू में आते हैं जिनको सिग्निफिकेंटली बेनिफिट हो जाएंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन से. इट इज़ ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे साइट्स है, साइट्स किसके लिए, मतलब इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये UN बेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, पर साइट्स तो मतलब UN बेस्ड नहीं है, पर ये है, ध्यान रखना, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज किसकी है? UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. तो माइग्रेटरी स्पीशीज कौन से होते हैं भाई? जो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट पे जाते रहते हैं एक साल के अंदर या दूसरे साल के अंदर, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस की भाई उनको मतलब वहां पे जाकर उनको ब्रीडिंग करनी होगी या टेम्परेचर क्लाइमेट सर्दी है तो हम चले गए, तो इस तरीके की. एंड माइग्रेटरी रूट में नेस्टिंग हो सकती है, ऑब्वियसली घर तो बनाएंगी अपना, एंड घर वर बनाते हैं तो ऑब्वियसली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो इसीलिए ताकि उनका घर वर नहीं डिस्ट्रॉय, उन माइग्रेटरी स्पीशीज को सेफ करके रखा जा सके, इसीलिए है ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है. देन इज अबाउट देख लेते हैं कुछ फैक्ट और प्रिलिम्स. हाँ, आई नो आज बहुत सारे आर्टिकल्स थे तो देख लेते हैं, बस थोड़े से रह गए. जनरल ऑफ सिख एम्पायर थे कौन? श्याम सिंह अटारी वाला. इनकी 174th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है एंड इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया था, जैसे बैटल ऑफ मुल्तान, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का भी, ठीक है. जो महारानी जिंद कौर थी, उन्होंने अपने बेटे महाराजा दुलीप सिंह, वो छोटे थे उस टाइम पे, एंड उनको इसके लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ रेजेंसी बनाई थी ताकि वो मतलब देख सके कि भाई सब ठीक ठाक हो रहा है जब तक वो एज अटेन ना कर सके, तो इनको श्याम सिंह अटारी वाला को उसमें नॉमिनेट किया गया था. एंड ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वार उन्होंने सतलुज को क्रॉस कर दिया था एंड उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपनी जान दे दूंगा पर हार के नहीं आऊँगा. तो ये श्याम सिंह अटारी वाला की 174th डेथ एनिवर्सरी है एंड ही वॉज अ जनरल ऑफ सिख एम्पायर, तो इसके बारे में ध्यान रखना है. देन इज अबाउट चिंदू यशगनम, ठीक है. चिंदू यशगनम क्या है? इट इज़ अ थिएटर प्रैक्टिस बाय मेंबर ऑफ चिंदू मडिगा कम्युनिटी, ठीक है. चिंदू मडिगा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस तरीके मतलब थिएटर है जो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट फॉर्म है. ये कहाँ की कम्युनिटी है? तेलंगाना की कम्युनिटी है. एंड इसमें क्या करते हैं? जो क्लासिक टेल्स है एपिक्स जैसे महाभारत, रामायण, इस तरीके की चीज़ों को मतलब रेप्लीकेट करते हैं, एक्ट करते हैं हंटिंग के, वॉर के, ठीक है, जो भी मतलब इस तरीके के एक्ट मतलब थिएटर करके दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको एंटरटेन कर सके, ठीक है. एंड चिंदू कम्युनिटी है, जो चिंदू मडिगा कम्युनिटी है, ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है, ये ध्यान रखना. नोमैडिक क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता. देन इज अबाउट गगरियन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ है? मॉस्को रशिया में. किसके लिए है? जो हमारे गगनयान मिशन होगा, हमने अभी यहाँ से 4 लोग भेजे हैं गगनयान मिशन में. हमें क्या है? फर्स्ट मैंड, इंडिया का फर्स्ट क्रूड मतलब मिशन है जिसमें हम 2022 तक हम इसको भेज देंगे गगनयान मिशन को. तो इसमें क्या है, हमें लोगों को भेजना है वहाँ पे, तो हमने इसको यहाँ पे गगरी रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा है ताकि वो वहाँ पे उस तरीके की, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ताकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस करके आ सके, ट्रेनिंग लेके आ सके कि भाई कैसी कैसी वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा ऊपर एंड वो सस्टेन कर पाए उसको. एंड बेसिक और जेनेरिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए जो हमें गगनयान में ज़रूरत है, तो हमने वहाँ पे 4 इंडियन पायलट्स को भेजा है. तो ये मॉस्को में है, रशिया में, ये ध्यान रखना. देन इज़ अबाउट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम.
इट इज मतलब इसमें क्या होते हैं, कंटेक्स्ट क्या है कि भाई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने हमें बोला है कि सेल चल रही है, ठीक है, डॉलर 1.867 बिलियन की हमें देंगे, ये अभी दिया तो नहीं है, देंगे नेशनल एडवांस सर्विस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसमें रडार्स, लॉन्चर, टारगेटिंग एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है, एडवांस मीडियम रेंज टू एयर मिसाइल है, ठीक है, वो देंगे हमें, तो अभी इसके बारे में बात हुई है, देखेंगे जब देंगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, देन इज अबाउट जीआरडी टाटा। जीआरडी टाटा कौन थे? 10 फरवरी 1929 को इंडिया को अपने फर्स्ट पायलट मिले थे, जो थे जीआरडी टाटा, जहांगीर आरडी टाटा, ठीक है, जिनको नंबर वन मिला था इनके फ्लाइंग लाइसेंस पे, ठीक है, जिसको एविएटर सर्टिफिकेट भी बोला गया था। किसने इशू किया था, ये इंपॉर्टेंट है, द एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा, ठीक है, उस टाइम हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने इसको इशू किया था। एंड एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा वॉज रिकोगनाइज बाई फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल एज अ स्पॉटिंग अथॉरिटी, एंड ये फर्स्ट इंडियन थे टू पास आउट विद नंबर वन इंडोर्स्ड ऑन हिज फ्लाइंग लाइसेंस, ठीक है, ये इस तरीके का इनका लाइसेंस था जिसपे नंबर वन लिखा हुआ था। देन इज अबाउट एक्सरसाइज अजेय वॉरियर, फिफ्थ एडिशन हुआ है इसका, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 2020 का, बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो अजेय वॉरियर किसके बीच में? इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो टू कंडक्ट कंपनी लेवल जॉइंट ट्रेनिंग विद एम्फेसिस ऑन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन अर्बन एंड सेमी अर्बन रीजन्स, ठीक है, हर बार ये ध्यान रखना है किसके बीच में थी, मिलिट्री थी, मिलिट्री की थी या बायलेटरल थी या ट्राइलेटरल थी, ये ध्यान रखना है। एंड पहला एडिशन इसका 2013 में बेलागाम में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अजेय वॉरियर किसके बीच में थी? इंडिया और यूके के बीच में। देन वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में है, ये एस्टैब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 10 फरवरी को मनाया जाता है पल्सेस डे के, वही दाल, ठीक है, इस तरीके की पल्सेस है जिसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए हर किसी को, एंड वो वर्ल्ड पल्सेस डे की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना किसने एस्टैब्लिश किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड ज़रूर बताना कैसा लगा आपको लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।